हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं रिगिंग। ठीक है, रिगिंग में जैसा कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ तो पहले मैं बेसिक्स एक बार आपको रिवाइज करता हूँ। बेसिक्स में क्या क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं। मैंने यहाँ पे किया मॉडलिंग, मॉडलिंग के बाद आपका आता है रिगिंग। ठीक है, शॉर्टकट आपका इसमें मिलता है। जैसे अगर मैं कहूँ तो F1 होता है आपका हेल्प। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा था, आप यहाँ से जाकर सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, स्क्रिप्टिंग, कस्टमाइज माया, रेंडरिंग माया, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। सिमुलेशन है, लाइटिंग है, टाइम मिले तो इनको पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप चाहते हो जैसे एनिमेशन है तो एनिमेशन के अंदर आपको यहाँ पे चीज़ मिलेगी। ठीक है, एनिमेशन में अलग अलग पार्ट है, मॉडलिंग के अंदर मॉडलिंग है, एनवायरमेंट है, ये सब चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो भाई आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है। तो अगर आपको टाइम मिलता है आप तो इन सब चीज़ों को स्टडी कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। इसमें काफ़ी चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो ये एक पार्ट है यहाँ पे। दूसरी चीज़, मैंने F1 प्रेस किया था, F2 प्रेस करते आपको यहाँ पे क्या होता है, मॉडलिंग आ जाता है। ठीक है, F3 आपका रिगिंग आता है। तो अगर मैं सीधे शॉर्टकट F3 से स्टार्ट करूँ तो भी मेरे को आइडिया मिल जाएगा। F4 आपका एनिमेशन है, F5 आपका FX है, F6 आपका रेंडरिंग है। ठीक है, शॉर्टकट में हम लोगों ने क्या किया, सिंपल F3 प्रेस कर दिया। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर F3 प्रेस किया तो F3 से मेरे पास रिगिंग के मेन्यू आ जाते हैं। अभी हम लोग F3 यूज क्यों करते हैं, रिगिंग का जो पार्ट है हम लोग यहाँ पर देखें उसका यूजेस क्या है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास ये मेन्यू चेंज हो जाते हैं, मेन मेन्यू होता है वो चेंज हो जाता है। F2 पे देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है और F3 पे चेंज हो रहा है। तो रिगिंग की मेरे पास सारी चीज़ें मेरे पास मिल जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे ये होता है आपका स्केलेटन। स्केलेटन के अंदर आपको बस चीज़ें दिखेंगे, यहाँ पे आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। चलो फ्रंट में आते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं स्पेस बार। स्पेस बार प्रेस किया, आपका व्यूपॉइंट मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, क्रिएट जॉइंट। ओके, अभी जॉइंट मैंने लिया, अभी जॉइंट को मैंने अभी क्या किया, जैसे मैंने सिंपल पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 ठीक है कंपेयर करता है एंड 6 ओके एंटर। इसे बोलते हैं बोन। बोन में अगर मैं देखूँ, बोन में मेरे पास यहाँ पे चीज क्या मिलती है, बोन को मैंने अलग अलग वेरिएशन पे दे रखा है। तो पहले क्रिएट का एक ऑप्शन देखो। ठीक है, XYZ रिसेट कर दो बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो यहाँ पे चीज मेरे पास अलग अलग चीज़ें भी दिखेंगी। यहाँ पे XYZ ये सारी डिग्री है। ठीक है, फ्रीडम्स के लिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैंने क्या किया, सिंपल ही काम करता हूँ, क्रिएट किया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे कुछ स्नैपिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, देखो ये स्नैपिंग है, ये स्नैपिंग है, पहले पे स्टार्ट करते हैं। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा ग्रिड पे स्नैप हो रहा है। ठीक है, दो पे गए, दो पे मैंने फिर सेट किया, फिर ऐसे मैं दो पे सेट कर सकता हूँ, ऐसे सेट कर दूंगा। ठीक है, देखो ये पीछे आ गया, तो आप इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं अभी इसको मैं मैनेज करके दिखाता हूँ। ठीक, एंटर, यहाँ पे गए, सेलेक्ट कर दे W। देखें यहाँ पे ये सेट कर दिया मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ओके, मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं चीज़ों को ऐसे बैलेंस करके दिखा सकता हूँ। अरे देखो, एक ये भी बनाया हमने, एक ये भी बनाया। बोन्स बनाने का एक तरीका आपको पता चला, अभी ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे देखो अप डाउन है, यहाँ पे इक्वल है, कोई भी चीज़ अगर प्रॉपर देखेगा तो ज़्यादा बेटर आएगा। ठीक है, यही काम अगर मैंने यहाँ से किया, क्रिएट जॉइंट, यहाँ से मैंने क्लिक किया, जस्ट क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करता हूँ यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 7 और मैं तो ऐसे मैंने बढ़ा 8। ठीक है, अभी तरीका देखो, इन दोनों में तरीका क्या है, ये मैंने ऊपर से मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने नीचे से ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे WENR, W फॉर मूव, E फॉर रोटेट एंड R फॉर स्केल, ई प्रेस किया, मैंने इसे रोटेट कर रहा हूँ। पॉसिबल है, ये रोटेशन आपको यहाँ पे भी देख रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ पे सीधे नंबर डाल सकते हो, -90 ठीक है या 0 डन। अभी ये बोन्स हम लोग जो बनाते हैं, एक तो हमें बोन्स बनाने का एक आइडिया मिला, बोन्स बनाते कैसे, तो जो रफली बनाने वाले आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अगर मैं स्नैप में अगर मैं जा रहा हूँ तो मैंने सिंपल सीधे ही नहीं, मैं यहाँ से सिंपल सा चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये भी तरीका है। ओके, अभी जैसे ऊपर से मैंने सेलेक्ट किया, देखो अगर मैं बीच में कहीं भी सेलेक्ट करता हूँ एक दूसरे के साथ पेरेंट होता है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे कलर पर अगर ध्यान दो, ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर आपका एक्टिव है, ये आपका एक्टिव नहीं है, पर्पल कलर बोलने का। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे रोटेशन दिया, तो कोई रोटेशन में कैसे आ रहा है। ठीक है, यहाँ से रोटेशन दिया तो मैं रोटेशन ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ। ओके, मेरे पास ये चीज़ें भी नजर आएंगी, मैं ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा फ्रंट व्यू, एक को मैंने सेलेक्ट कर दिया, प्रोस्पेक्टिव में गए, देखो यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैंने क्या किया, दिस वन,
अब मैं इसको खींच के इधर लेके जा रहा हूँ, ये पूरा खींचेगा, जितना खींच लो उतना चलाएगा, कहीं पे स्ट्रेच नहीं होगा या खराब नहीं होने वाला। आप अप एंड डाउन कर सकते हो, ये मेरा बोन की पावर है यहाँ पे। ओके अभी देखो यहाँ से मैंने क्या किया, जैसे मैंने इसमें कर दिया, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास आता है इंसर्ट जॉइंट। अगर यहाँ पे एक स्नैप मैंने ऑन करेगा, इसकी वजह से सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, देखें ये इंसर्ट जॉइंट, ठीक है। फिर मैं इस पे यहाँ पे गया और मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, चूंकि मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ तो मैंने इंसर्ट जॉइन किया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ, डन। तो चूजों को हम लोग ऐसे भी फुलफिल करके ले सकते हैं यहाँ पे। तो इंसर्ट का मतलब क्या हुआ, एक जो आपने जो बोन बनाया है उसके अंदर हम लोग एक और पॉइंट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मेरा स्पॉट यहाँ पे हो जाएगा, मैं चूजों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ मिरर जॉइंट, ठीक है, मिरर पे जाते हैं, मिरर पे गए, देखो यहाँ पे अभी मिरर पे गए, मिरर पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे रोटेशन दिया था, आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करते हैं, मैंने कहा भाई इधर आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोग एडिट एंड रीसेट, ठीक है, अप्लाई किया, यहीं पे कुछ आ गया, आया गया, आया, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया एक्स वाई है, वाई जी कर देते हैं, वाई जी देखो उधर आया क्या, समझ आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैंने कहा और एक्स और जी कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट भी आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। इन चीज़ों का मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, भाई मुझे अगर मिरर जॉइंट करना है, जैसे मैं अगर कनेक्टर बनाता हूँ कोई भी चीज़ अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि अगर मैंने आधा बनाया तो आधा मुझे डुप्लीकेट कर लेना है या फिर मैं मिरर कर लूँगा, तो मेरे पास ये काम हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, मैंने सपोज मैंने एक सेटअप ये बनाया, अभी मुझे मिरर करना है, तो मैं वाई जेड पे करूँ तो मैं ऐसा आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो पॉइंट सेट है, ठीक है। ये मेरे पास पार्ट है यहाँ पे, जहाँ मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा भाई, क्रिएट जॉइंट समझ में आया, इंसर्ट जॉइंट समझ में आया, मिरर जॉइंट समझ में आया कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, और चीज़ों को फुलफिल कैसे कर सकते हैं। अभी देखो रिमूव जॉइंट, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक तो रिमूव जॉइंट, यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट कर दिया और मैंने क्या कर दिया, रिमूव जॉइंट। कुछ चीज़ें बहुत ऐसी कॉमन सी है जिसमें आप चीज़ों को ऐसे ही मैनेज करके देखोगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आइडिया मिल रहा है। अभी हर एक का एक पार्ट है जिस चीज़ को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक्स मैंने आपको दिखाया, अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, रफली एक आइडिया देता हूँ कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं तो चीज़ों को कैसे मैनेज करके दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ब्लॉकिंग में कर लेता हूँ, मैंने सिलेंडर लिया, ठीक है, एक सिलेंडर लिया। आज मैं आपको तो एक रफली मॉडल बता रहा हूँ, रफली मॉडल मतलब जैसे होता है ब्लॉकिंग, जिन लोगों को मॉडलिंग में इंटरेस्ट नहीं होता और उनको अगर थोड़ा सा काम दे दिया जाए तो भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने कर दिया हाइट, रेडियस, ठीक है। अभी मैं क्या, मैंने कहा भाई एक मॉडल बनाना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं सेगमेंट देता हूँ, सेगमेंट अच्छे खासे दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर मुझे चीज़ों को फुलफिल करना है, तो हाइट सेगमेंट मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। देन मैंने कर दिया सिंपल एक पॉलीक्यूब दे दिया, तो पॉलीक्यूब को मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे पॉलीक्यूब जो चाहिए मुझे वो कुछ ऐसा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल पॉली सिलेंडर लिया मैंने यहाँ पे, पॉली सिलेंडर को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने किया हाइट, यहाँ से हाइट, ठीक है, और रेडियस पे हाइट सेगमेंट मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से एक बेसिक सा मॉडल, व्हाट आई वांट कि इतना बेसिक मॉडल आप सभी लोग बना ही लोगे, ठीक है, इतना बेसिक एक मॉडल आप यहाँ पे बनाओगे तो आपको आइडिया मिल ही जाएगा भाई मुझे पास यहाँ पे चाहिए। देखो ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, इसके पाइवेट को फोर प्रेस करो, पाइवेट को सेट करने के लिए इंसर्ट बटन बता रखा है मैंने आपको, इंसर्ट बटन पे जाओ, यहाँ पे किया इंसर्ट बटन ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया, इसको मैंने उठा के यहाँ डाल दिया। व्हाट आई वांट, आप इतनी चीज़ों को आप मैनेज करके दिखाई सकते हो जहाँ तक मुझे लगता है, तो दिस इज गुड। ओके यहाँ पे मैंने दिया, अभी मैं इसके अंदर जो मैंने थोड़ा सा पॉलीक्यूब के अंदर हल्का फुल्का हाइट बटन डेप, ओके यहाँ से मैंने हल्का फुल्का सेगमेंट दिया मैंने आपको, डन। ये मोस्ट पार्ट है, यहाँ से मैंने क्या किया, सेट किया और मैंने क्या किया, देखो मैं सेंटर में है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, डी एंड वी, एडिट पे गए और डुप्लीकेट स्पेशल मेरे पास ऑप्शन होता है, एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल,
एक्स है तो एक्स पर करते हैं यहाँ पर, तो मैंने कर दिया माइनस देन अप्लाई, मेरे को यहाँ पे जा रहा है। तो मैंने देखो इसके अंदर जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे को यहाँ पे क्या मिलता है, जो बहुत सी जगह कुछ ना कुछ नंबर दिख रहे हैं, ट्रांसलेट में दिख रहा है, वाई में दिख रहा है, रोटेशन में दिख रहा है, राइट क्लिक फ्रीज एंड ऑल। अभी इसे कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी ट्राई करके देखो तो इधर आ जाएगा। तो समझो क्या यहाँ पे क्या है, इसके अंदर भी देखो चैनल बॉक्स में कुछ है कि नहीं, ये चैनल बॉक्स देख रहे हैं, क्या करेंगे राइट क्लिक फ्रीज एंड ऑल। फ्रीज ऑल का मतलब सब कुछ 0-0 बाई डिफॉल्ट 0-0 और स्केल 1 रहता है। ओके अभी मैंने कहा भाई ये काम करते हैं, यहाँ पे गए हम लोगों ने यहाँ पे क्या इसको डुप्लीकेट करना है। तो सिंपल से बात प्राइवेट चेंज कर दो WDN, ठीक है डुप्लीकेट कर दो मैंने डन। ये पैटर्न जो मैंने लिया, मैंने कहा भाई काम करो, इतना बेसिक मॉडल मेरे ख्याल से सभी लोग बना ही लेंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, प्रोस्पेक्टिव में जाकर देखते हैं, ये हम लोग डमी मॉडल हो गया है। फ्रंट पे गया, अभी मैं यहाँ पर जॉइंट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देता हूँ। जॉइंट्स कैसे क्रिएट करें यहाँ पर, तो स्केलेटन जॉइंट पे गया, ठीक है क्रिएट जॉइंट, आपका जो क्रिएट जॉइंट होगा आपका यहाँ से 1, 2 है ना, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। जब मैंने स्नैप ऑन कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर ऑटोमेटिक ये चीज़ें यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, यहाँ पर ऊपर भी चलेगा डन, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने जो क्रिएट जॉइंट किया यहाँ पर, मैंने क्या देखा यहाँ पर, ये काइंड ऑफ मतलब यहाँ पर जो मैंने स्नैप दे रखा है ना यहाँ पर, वो स्नैप मेरे पास यहाँ पर काम करने वाला है, ठीक है। देन अभी यहाँ से मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ओके। अब अगर देखो यहाँ से मैं चीज़ों को इसको मैं देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पर चीज़ क्या जा रही है यहाँ पर। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, एक प्रोसेस यहाँ पे दिया, एक प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिया, जब अप एंड डाउन जा रहा है, मैंने कंट्रोल जेड ये अंडू कर दिया, मैंने स्नैप कर दिया ऑफ, क्योंकि हर जगह स्नैप बहुत बढ़िया काम नहीं करने वाला, ठीक है। एक मैंने पॉइंट दिया यहाँ से, अगर मैं काम कर दूँ तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ से मैंने फिर से ये देखो यहाँ से ले रहा हूँ और यहाँ से लगा देखी है, यहाँ पे लिया, यहाँ तक मैंने सेट किया और यहाँ तक मैंने सेट कर दिया यहाँ पर, ओके ये सेट कर दिया। अभी देखो यहाँ से मैं अगर मैं देखो दोनों में आपको जज करूँ तो दोनों में ये सही है ये सही है समझो, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं आपको एक आइडिया देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया और मैंने कर दिया पी फॉर पेरेंट, ठीक है दिख रहा है। तो अगर मैं देखो यहाँ से मैंने पेरेंट किया तो यहाँ से मेरे गायब हो गया, यहाँ समझ रहे, ये अपने आपको बताता है मैंने सेलेक्ट किया कि इसे सेलेक्ट करके इसे सेलेक्ट करके, अभी करो पी, अभी गायब नहीं हुआ, समझ आया। फिर से देखो यहाँ पर मैंने कहा सो पे गया, सो पे मुझे ज्योमेट्री नहीं देखनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं गया कंट्रोलर नर्व्स, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखता है क्या, देखो यहाँ पे तो पॉलीगन हो गया हाइट है ना। तो मैंने यहाँ पे को समझना दिस वन दोनों को सेलेक्ट किया, मैंने कर दिया पी, तो यहाँ से गायब हो गया, मतलब गलत हो गया, ये आपको इंडिकेट करेगा। अंडू किया मैंने यहाँ पे, यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, प्रेस किया पी, तो ये गायब नहीं हुआ, ठीक है क्लियर डन। यहाँ पे गया मैंने कर दिया पी, ये आपका इधर गायब हुआ है ना। ये आपको आइडिया देना है कि भाई आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आप किस टाइप से चीज़ को मैनेज कर सकते हो और चीज़ को फुलफिल कैसे कर सकते हो। यहाँ पे गए, यहाँ पे मेरा जॉइंट है क्या, है ना, मेरा जॉइंट पे गए, मेरा जॉइंट पे क्या कहते हैं एक्स वाई करके देखें तो ये आ गया, यहाँ पे किया इसको क्या कर दिया, और सेटअप बन रहा है आपका, यहाँ पे ये सेटअप बना दिया हमने यहाँ पे। अभी अगर मैंने सेटअप बनाया तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट करके अगर मैं करता हूँ पी तो काम करेगा, इसको सेलेक्ट करके कर दिया मैंने पी तो काम करेगा, पी फॉर पेरेंट, यहाँ सेलेक्ट किया यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, ठीक है पी प्रेस किया पेरेंट, यहाँ पर सेलेक्ट किया इसे सेलेक्ट कर दिया पी फॉर पेरेंट। अब पेरेंट समझना, पेरेंट होता क्या, चाइल्ड और पेरेंट दो तरीके हैं, थोड़ा सा बेसिक आपका मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया स्फीयर आर फॉर स्केल, अच्छा मैंने कुछ ऑफ कर रखा है ना, यहाँ पर सो पे गए पॉलीगन, एन किया पॉलीक्यूब, बेसिक फंडा समझना, पेरेंट और चाइल्ड होता क्या है, 4 एंड 5, 1 एंड 2, दो तीन एग्जांपल आपको बताता हूँ। दोनों को सेलेक्ट कर दिया एंड कंट्रोल डी, ठीक है यहाँ समझना, तो पहले ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया, पहले बॉक्स को सेलेक्ट कर दिया, सिर्फ प्रेस किया, मैंने किसको सेलेक्ट किया स्क्वायर को,
प्रेस किया पी, पी फॉर पेरेंट, वो वापस आ गया बॉक्स पे। क्लिक करो यहाँ पे, अभी मैंने स्पेयर को क्लिक किया तो इसके साथ बॉक्स भी सिलेक्टेड है। तो अगर मैंने स्पेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक इसके साथ ही काम करेगा। अगर मैं बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ तो स्पेयर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या हुआ, पेरेंट, पेरेंट एंड चाइल्ड, पिताजी और बच्चे, है ना, जहाँ पिताजी चलेंगे वहाँ वैसे ही बच्चे चलते हैं। वैसे ये पहले का टाइम था, आज के टाइम में तो वो चीज़ें बहुत ही कम देखी जाती है, लेकिन हाँ जैसा होता है ना कि जहाँ पेरेंट्स होंगे वहाँ पे चाइल्ड होता है। तो हमारा ये प्रोसेस इसी के अकॉर्डिंग दिखाया है कि जहाँ पे पेरेंट्स होंगे वहीं पे चाइल्ड होगा, है ना। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या होता है, अब इसका अपोजिट करके देखते हैं। मैंने पहले क्या किया, स्पेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने क्या बॉक्स को सिलेक्ट किया। जो पहले सिलेक्टेड होता है उसका कलर पहले आपका ग्रीन होता है, और उससे दूसरे सेलेक्ट करते हो तो उसका कलर व्हाइट हो जाता है। जैसे देखो ये पहला नंबर था व्हाइट हो गया, पी प्रेस करो पेरेंट, अब यहाँ पे गए तो यहाँ पे बॉक्स हमारा क्या हो गया, पेरेंट। यहाँ पे क्या है मेरे पास, स्पेयर पेरेंट, फंडा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कि भाई पेरेंट का क्या ऑप्शन है और पेरेंट का काम क्या है। अभी काम देखेंगे, एक को मैंने सेलेक्ट करके एक साथ दो चीज को एक साथ अप एंड डाउन कर सकता हूँ। यहाँ देखो पॉसिबल है, तो ये है पेरेंट और चाइल्ड का फंडा, ठीक है, इसे डिलीट कर दिया मैंने, इसे भी मैंने डिलीट कर दिया। अभी चलो जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे मैं देखता हूँ मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को दोस्तों मैनेज करता हूँ। फोर प्रेस किया, मैंने एक डमी एक कैरेक्टर बनाया, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करते, देखो ये बीच वाला पॉइंट जो सेलेक्ट कर, ये मेरा रूट हुआ, देखो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये इसका रूट है, ये पॉइंट सेलेक्ट करते ये पूरा रूट हो गया, ठीक है। अभी इसमें देखो दो चीज़ दो तरीके से आपको चीज़ों को बताता हूँ। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताया, जैसे मैंने फ्रंट में गए आपको यहाँ पे, तो थोड़ा सा टिप्स देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने क्या किया, सिलेंडर लिया, सिलेंडर को यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया है, कंफर्टेबल जोन में जाओ। हाइट कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने इसका क्या किया, एडिट में आके कॉपी करते हैं, कॉपी और एडिट में आके मैंने पेस्ट किया, मैंने कंट्रोल डी नहीं किया है, समझना, सेलेक्ट दिस वन, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया, दोनों में डिफरेंस है समझना, मॉडलिंग वाला काम भी यहाँ पे आएगा। मैंने कॉपी पेस्ट किया तो देखो इसका फीचर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर आप सेगमेंट्स दे सकते हो, है ना। मैंने इसका डुप्लीकेट कर दिया तो डुप्लीकेट में मेरे पास पैरामीटर नहीं आया, तो ये इसका बेनिफिट है। तो आपको हमेशा जो काम करना हो आप ऐसे भी काम करके दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ओके। अरे देखो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा पार्ट स्केलेटन पे गए, क्रिएट जॉइंट पे गए, स्नैपिंग मैंने ऑन कर रखा है यहाँ पे, क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, और देन सेफ प्रेस करके आप यहाँ पे मैनेज करके दिखा सकते हैं, ठीक है, डन। यही सेम का मैंने अभी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर दिया। इसमें भी देखो इसमें दो ऑप्शन आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ये दिस वन एंड दिस वन, है ना, यहाँ पे होता है स्किन एंड बाइंड किया, बाइंड करने में देखो यहाँ से मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, ये ऐसा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, दिस वन स्किन एंड बाइंड कर दिया मैंने पे। अभी बाइंड करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट किया, मैं इसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो ये देखो अभी देखो इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, इसके बीच में मैंने सेगमेंट्स नहीं दिए इसलिए ऐसा काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने सेगमेंट दे रखा तो ऐसे ये काम करेगा यहाँ पर, सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, स्किन एंड बाइंड, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, देखो रोटेट दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करके मैंने रोटेट किया, यहाँ से मैं ऐसे सेलेक्ट करके रोटेट कर रहा हूँ, तो ये सेलेक्ट करके मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, ओके। तो एक तरीके से आप मैनेज करोगे तो ऐसे दिखेगा। अब इसके अंदर आप चाहे कितना भी रोटेट कर लो ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिक प्रोसेस आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा, ओके। तभी यहाँ पर अगर मैं देखूँ मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट दिस वन एंड, अभी देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। अब ये पार्ट और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब को मैं ग्रुप दे सकता हूँ यहाँ पे, तो क्या लास्ट क्या जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, है ना, ये पार्ट है। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैं दो तरीकों से मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। जैसे ये मेरा काम हो गया, मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है, ये मैंने कर दिया डिलीट, डन, ये पूरा पूरा पार्ट हो गया, सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट आया यहाँ पे। जब मैं इसको डुप्लीकेट किया तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे, मेरे पास पूरा सेटअप आया, लेकिन यहाँ पे मॉडल का सेटअप मेरे पास नहीं आया, तो मैं एक बार फिर से अंडो कर देता हूँ यहाँ
वहाँ पर ये है मेरा सांकल, ठीक है। अब यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया दिस वन एंड दिस वन, कंट्रोल डी, इज इट पॉसिबल? दोनों को समझना क्या, तो इन दोनों में ऑप्शन आपको बताता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। शिफ्ट एंड कर दिया मैंने, कंबाइन कर दिया, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया देखो ये पार्ट और ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे देखो दो तरीके और आपको बताने वाला हूँ, ताकि मैं उसमें वो चीज़ें मैं करूँ। कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ दोनों का, जेब में ऑप्शन देखो। अभी मैं यहाँ इन सबों को सिलेक्ट करता हूँ, मैं उसमें पहले बोन को सिलेक्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, है ना। और फिर मैंने क्या कर दिया, स्कैन एंड क्या कर दिया मैंने यहाँ पे बाइंड। देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं, रोटेशन चल रहा है, यहाँ से मैंने सेटअप दिया, यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, है पॉसिबल, ओके। ये सारे पार्ट मेरे तो अलग अलग हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, इन सब को इसको सिलेक्ट कर दिया, मेन जॉइंट को इसको सिलेक्ट कर दिया, एंड क्या करते हैं स्किन एंड बाइंड, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। यहाँ देखो यहाँ पे भी मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसको ऐसे करके भी मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, सी वी एक ऑप्शन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या, देखो ये मेरा मॉडल अलग है, ये मेरा मॉडल एक में कंबाइन है, तो पॉसिबिलिटीज ये भी है और ये भी है। यहाँ से देखो नेक वाला पार्ट है, नेक वाले पार्ट को मैंने इधर टर्न किया, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, अरे आप इस तरीके से भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिव में क्या देन चीज़ों को आप यहाँ पे बैंड कर रहे हो, तो आप यहाँ से बैंड कर सकते हो, आप यहाँ पे फोकस 4 एंड 5 दिख रहे हैं भाई, आप यहाँ पे दिखाना चाहो 4 प्रेस करो, आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पर। मैं ऐसे कुछ काम करके दिखा सकता हूँ पे, ठीक है, दिख रहे हैं भाई। देन यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ, तो मैंने मॉडल को यहाँ पे सेव दिया, यहाँ से मैं सेव को इधर से इधर लेके जा सकता हूँ पे। देखो ये अपोजिट होता है, जैसे वो पाँव आ गया तो ये हाथ आगे होगा और ये हाथ ऐसा होगा, एंटी में होता है। 4 एंड 5 अभी आइडिया मिल रहा है, पोजेस बनाना है, पोजेस बना सकते हो, जो भी आपको काम करना है आप इसमें काम कर सकते हो आप यहाँ पे। तो इसलिए मैंने आपको दो तरीके आपको यहाँ पे दिए, दोनों तरीके में आपको आइडिया मिला। और यहाँ पे भी मैं काम करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये पोजेस भी मैं इसमें बना सकता हूँ, ओके। मैं यहाँ पे जो देखा अभी ये मैंने पार्ट यहाँ पे दिया, ये पार्ट में यहाँ से इधर भी है मैंने दिया, तो जॉइंट्स का आपको पता रहना चाहिए। मुझे अगर इसमें कुछ मोड़ना है तो मैं मोड़ने के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेगमेंट्स आपके इसके अंदर होने चाहिए, वो भी मैंने आपको बेसिक सा आइडिया दिया, ओके। नेक वाला पार्ट है, नेक वाले पार्ट को आप यहाँ से ऐसे करके मैनेज करके दिखा सकते हो, ठीक है, हल्का सा बैंड पॉसिबल है। ये सेम प्रोसेस आप इसमें, दोनों प्रोसेस है, किसमें आप कंफर्टेबल हो, दस में कि आप इन चीज को समझो। मेरे पास यहाँ पे अगर मुझे बाइंड करना है तो मैं स्किन में गया और ये बाइंड किया, तो ये एक बेसिक सा आपका रिगिंग का एक डेमो है जिसको हम चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं यहाँ पे।